गाइस हम गायब हो चुके हैं पर अभी कोशिश कर रहे हैं रास्ता ढूंढने की। वो भी है गायब बिल्कुल जंगल के बीचों बीच। ओ, ओ, ओ। बेटी अनमोल है। और बेटी क्या है? बेटों का कुछ नहीं? कितने बेटे महान पुरुष को पैदा करती है एक औरत। ये क्या है? जड़ी बूटी। ये बिकती होनी बहुत महंगी है ना। ग्रिल्ड संजय चौहान विद कैमरामैन अजय चौहान। शुक्र है बच गया। ये देखिए गाइस गू। So hey guys, this is Sanjay Chauhan. कैसे हो आप सब? Welcome back to another vlog. यहाँ देखो भाई। क्या बोल रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ खड़ा उठ। मैं नहीं अभी उठ रहा, अभी सो रहा मैंने। अभी सो रहा हूँ। मार खानी। उठ खड़ा उठ, जल्दी कर, बाहर निकल। मैंने दरवाजा लॉक करके रखा है अंदर से ना, ताकि मेरे को डिस्टर्ब ना करे मम्मी। तो खिड़की में आके चिल्ला रहे हैं। तो गाइज मेरे को पता है बहुत टाइम से ब्लॉग्स नहीं आए, हफ्ता हो गया मैंने एक भी ब्लॉग पोस्ट नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि मैं कॉलेज जा रहा था रेगुलरली क्लासेस अटेंड करने के लिए, तो मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था ब्लॉग शूट करने के लिए। एक हफ्ते का जो गैप था उसके लिए माफ करना मेरे को। बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट कर रहे हैं कि भाई ब्लॉग डाल दे। अब मम्मी हॉल से भी आवाज लगाने लग गए हैं कि बाहर निकल रूम से। सो लेट्स गो। ये क्या बोला है अपने जब आप डरी है? ले ब्रिया। ये क्या होता है? पता नहीं बोलते हैं, मेरे को नहीं है पता क्या होता है। बेचारे जैसे यार बाहर आया हूँ कुछ ना, जा मिलू से। कहाँ बाहर? हाँ वो है सुबह ही आया हो, ब्रेकफास्ट भी किया उसने। गाइस मेरा एक दोस्त आया है वहाँ, चलो उससे मिलते हैं, बड़ा टाइम हो गया मिला नहीं उससे। उठ गया तो? हाँ छोटू ठीक है? बस एकदम मजे में, बढ़िया। चलो गाइज अपने दादू साहब के साथ बैठते हैं थोड़ी देर। दादा जी प्रणाम, कैसे हैं आप? एकदम मजे में। दादा जी का चश्मा लगाता हूँ मैं जरा। दादू दादू लग रहा हूँ। वहीं आऊं मेंटोस दिमाग की बत्ती जला दे। मजाक उड़ा रहे हो हैं? एक दिन आप भी ऐसे जाओगे तब आपको पता लगेगा, तब आपको फील होगा कि क्या बीतती है बुजुर्गों को। ओ हो गया, बोलने वालों को बस मौका चाहिए कुछ ना कुछ बोलने का भाई। हर चीज को नेगेटिव वे में लेना जरूरी नहीं है गाइस, थोड़ा मतलब पॉजिटिव रहा करो। तो गाइस परांठा पुदीने की चटनी और चाय, खाना वाना हो गया है। सो गाइस फाइनली मैं हो चुका हूँ रेडी व्हाइट में। आज का प्लान कुछ ऐसा है कि आज हम जा रहे हैं कुटला नाम की एक जगह में, वो एक पहाड़ी के बिल्कुल टॉप पे है। वहाँ पे हमारी जमीन है, हमारी प्रॉपर्टी है, तो जो वो हमारी जमीन है वहाँ हम होमस्टे की प्लानिंग कर रहे हैं बनाने की। तो आज हम उस प्रॉपर्टी को देखने जाएंगे और थोड़ा मुआयना करेंगे उसका। मतलब एक पहाड़ी के टॉप पे है वो जगह, तो आप खुद सोच सकते हो कि कितनी ज्यादा सुंदर होगी, जंगलों के बीच में है वो जगह। उस जगह जाने के लिए आधे रास्ते तक तो रोड बना हुआ है, पर वो रोड भी बहुत ज्यादा कच्चा रोड है, तो वहाँ पे कोई नॉर्मल गाड़ी नहीं जा सकती। तो हम अपनी कैंपर ही ले जाएंगे क्योंकि वो इजीली चढ़ जाती है। तो अभी जल्दी जल्दी निकलते हैं। तो ये रही दोस्तों हमारे ऑफ रोडिंग के साथी, हमारी कैंपर। बेटी अनमोल है। और बेटी क्या है? बेटों का कुछ नहीं? बेटा है धन, बेटी अनमोल है, बेटा है धन। अरे बोलने के लिए तब लिखा क्यों नहीं है यहाँ बेटे के बारे में, बेटी के बारे में क्यों लिखा है? बेटी है ना अनमोल है, क्योंकि बेटी जो शीला फैलाती है, शीला का मतलब होता है जय क्या नाम है जनसंख्या बढ़ाती है। कितने बेटे महान पुरुष को पैदा करती है एक औरत, बड़े बड़े महान पुरुषों को पैदा करती है, जैसे नरेंद्र मोदी से पैदा करती है एक औरत। और जैसे कि मैं, जैसे कि आप। ये सैटिस्फाइंग आंसर था। रुक जा आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। ओए सही सलामत ठीक कर रहा, पकड़ तू। बैठो बैठो, इससे चला के होगा बड़ा हो गया मैं। शॉप ले लोड़ी यही पे जाए, शॉप ले पे जाने आप। ओए आराम से चल, आराम से चल रहा है, टेंशन नहीं चाहिए ना। दी को ब्रेक रख दबा के, एक्सीलेटर मम्मी जी बोल रही है नीचे नदी को फेंक के। देखो गाइस कितना खतरनाक रोड है, और मैं नया नया ड्राइवर बहुत बढ़िया तरीके से चला रहा हूँ यहाँ। मम्मी जी बेकार में इतनी टेंशन लेती हैं। बस आगे वाले टायर चाहिए इसको, निकले फिर मोड़ देने से पीछे पड़ती पूरी गाड़ी देखनी। आप देखो ला रुक जा तू, ढक्कन गए ठोक दी मैंने, नहीं ठोकी यार तूने, ठोक देनी इस तरह रास्ते में कई गाड़ियां। अरे बस करो चुपचाप, बढ़िया से चलाने दो मेरे को। अगर मैंने स्कूल से निकाल दी मान जाएगा तू मेरे को? नहीं उतना नहीं हुआ ही तू अभी
कि मैं मान जाऊं तेरे को। ठोक दी तो पैसे भरे। वाह अरे एक और गाड़ी आ गई हुई। अब क्या करूं? चल जाने दे। देखो लो पहले ही मोड़ रहा है। जाने तू दे पहले गाड़ी को आगे। रुक जा रुक। अरे चल भाई डर क्यों रहा तू? मेरे से ज्यादा तो ये डर रहा है भाई जी। अरे डरना नहीं पर बजा दी तूने दो जगह थी। देखो गाइस बड़े भाई के साथ कभी भी ड्राइविंग करना तुम सीखना मत, नहीं तो ऐसी गालियां सुनते रहेंगे। तो गाइस अब मैंने यहां पे गाड़ी रोक दी है, मैं इस साइड आ रहा हूं। जब तक सीखे नहीं ना तब तक स्पीड बढ़ानी नहीं होती है, समझा? सीखना पापा जी के साथ। नहीं 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 पापा के साथ गाइस इसको जो मैंने वीडियो बनाने को दी थी ना, इसने भी वीडियो ही बनाई। इसने रखा कैमरा सही मेरी तरफ नहीं, इस बंदे ने रखा ही। जिंदगी है तेरे ब्लॉग से ज्यादा जरूरी भाई। यहाँ पे भाई जी ने बोला है रुकने को, ये है शांगड़ वैली, क्योंकि यहाँ पे भूख लग रही है ना हमें, इसलिए हम यहाँ पे रुक रहे हैं थोड़ी देर, खाएंगे पहले कुछ। भाई जी को लगी है बड़ी भूख। तो गाइस ये सिड्डू किस मिस्टर फिंग किस चीज़ की भाई? पीनट। मज़ा आ गया भाई। यहाँ पे हाथ धोने का सिस्टम थोड़ा खोपचे में है गाइस, पानी है बहुत ठंडा आ रहा, मज़ा आ गया। गाइस मेरे जो मम्मी है ना ये बाहर खाना नहीं खाते हैं, मतलब घर का खाना ही खाते हैं, बाहर खाना नहीं खाते हैं ये बिल्कुल भी। तो मम्मी जी पूरा टाइम गाड़ी में बैठे रहे। देखो गाइस यहाँ की जो ब्यूटी है ना अनमैच्ड है। ये पूरी जो जितना भी एरिया देख रहे हैं हमारे महादेव जी का गांव माना जाता है, संचूल महादेव हमारे देवते का नाम है। तो हाँ भाई बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मेरा होम टाउन है। तो गाइस अगर आप भी इतनी सुंदर जगह में घूमना चाहते हो ना, एक बार ज़रूर आना अपनी लाइफ में यहाँ। उसके लिए आप हमारा होमस्टे बुक कर सकते हो, पिन पार्वती ग्रेट हिमालयन होमस्टे। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ आप कॉन्टैक्ट करके डिटेल्स एक्वायर कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई है मम्मी जी और भाई जी को रोड्स की, कि कुटला को कौन सा रोड जाता है। वहाँ सामने आप देख सकते हैं, भाई जी को लग रहा है कि यही वाला रोड जाता होगा शायद वहाँ को, तो अभी किसी को कॉल करके कन्फर्म कर रहा है। पहले बिल्कुल ही कच्चा रोड है भाई, देखो ज़रा इसको। उतना भी ज़्यादा डेंजरस नहीं है, पर अरे मैंने जितना सोचा था उतना ज़्यादा ऑफ रोड नहीं है, मतलब ठीक है मजबूत रोड है। एक कमाल की चीज़ दिखाता हूँ, इसके लिए मेरे को गाड़ी रोकनी पड़ गई भाई, इतना मस्त लग रहा है। ये जो पूरी पहाड़ी है ना जिसपे बर्फ पड़ी हुई है, ऐसी ब्राइट चमक रही है ना ये, मतलब हम अभी दूसरी पहाड़ी में हैं, यहाँ तक ब्राइटनेस आ रही है इस बर्फ वाली पहाड़ी। और अभी तो मेन डेस्टिनेशन हम पहुँचे भी नहीं है, पता नहीं वहाँ कैसा होगा। यहाँ पे फंस गई गाड़ी। यहाँ देख पीछे देखो कीचड़ कितना है, यहाँ से ऊपर नहीं चढ़ रही गाइस, यहाँ पे दिक्कत आ रही है अब। यहाँ देखो दोस्तों, मतलब जब एक्सीलेटर दिया था ना भाई जी ने फुल पावर, तो यहाँ से कीचड़ उछल के यहाँ तक आ गया। देखो यहाँ आगे बोनेट में भी, अब तो मम्मी जी निकाल सकती है इसको। स्पीड में आई, स्पीड में चल 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 चल। अब क्या करें? ओ, 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 ओ भाई गई थी यहाँ से वहाँ। देखो भाई जी सुन, गाड़ी देते रहने यही ना, वहीं दे रहने भाई जी। बैक देखा 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 आपने, ये कब से लगा हुआ ऐसा? रहने दे भाई जी, पीछे लगा। वाह शिट, पूरा सिस्टम खराब हो गया गाइस। मोर के बाद मोर है यहाँ पे हो गया, पर इस कीचड़ की वजह से बालों में भी गिर गया वो कीचड़ बात। ओ भाई भाई ये दे रहने, अब चल नहीं यार गिल्ली रहेगी है, सूखेगी तो झाड़ना इसको ऐसे। ये ले भाई जी, मेरे को पता तेरे को जरूरत है इसकी। ये बोल रहा है छोटी जैसी बात को, कोई डरते बोला इतना? अरे डर गए ना, थप्पड़ नहीं यहीं से घर जाना, जो डर गया वो घर गया भाई। तो चलो गाइस पैदल यात्रा शुरू हो गई है, अब हार नहीं मानेंगे, मंजिल की ओर जाके रहेंगे। ये क्या है पेड़ देखो जी, कैसा है टहनी देखो कैसी है। वाह मौसम भी हो रहा है खराब, कहीं बारिश शुरू हो गई ना तब क्या हुआ? छाता नहीं हमारे वहाँ भाई, तब क्या हुआ?
भाई जी, भाई आप देख सकते हैं अजय चौहान बिल्कुल फियरलेस हैं। मैंने ना एक छतरी ली थी इतनी अच्छी ना, इसने वो भी कर दी गायब। मैंने की थी गायब? हाँ झूठ बोलते हैं। बाढ़ के टाइम देखो भाई, बिल्कुल टॉप पे इस पहाड़ी के ये वाली जगह प्राइवेट प्रॉपर्टी, रॉड व्हीलर कर रहा है इसको प्रोटेक्ट, ट्रेस पास किया तो इससे भिड़ना पड़ेगा। तो भाई बहुत अच्छी जगह है, ठंड है पर यहाँ पे काफी ठंड लग रही है। ये क्या है? जड़ी बूटी। ये बिकती होनी बहुत महंगी है ना। तो भाई बहुत बढ़िया बिजनेस है, जड़ी बूटियां बेचते हैं जो दवाइयों के काम आती हैं। रास्ता पूछ रहा है भाई जी इन भाई साहब से। भाई ये गूंगे हैं, साइन लैंग्वेज में बात कर रहा है भाई जी। वो यहाँ से यहाँ से कहाँ से ढूंढते हैं ये, चला एडवेंचर ही होके। देखो वाला मम्मी जी और भाई जी ले तो आए, मेरे को यहाँ पता ही नहीं है रास्ता कहाँ से इनको। पुराना रास्ता था हमारे को पता। ऐसे बियर्डों से बियर ग्रिल संजय चौहान आपको सरवाइव करना बताएंगे। ग्रिल्ड संजय चौहान विद कैमरामैन अजय चौहान। शुक्र है बच गया तो थोड़ा। ये देखिए गाइस गू। हाँ ये नहीं है रो, ऐसे रास्ते नहीं आते बीच में। यहाँ से चलो यहाँ से। हाँ ढक्कन कहीं का। मैं चप्पल ही तोड़ दी, अब देख मेरे को चप्पल खरीद के। इतनी अच्छी चप्पल तोड़ दी, मैं जिस चप्पल से मारो इसको। दूंगा मैं चप्पल खरीद के आपको, पहनो इसको अभी। अब कैसे पहनूं मैं ये? माँ आप मेरे सर पे अपने अपने जूते दे इनको। चल चलो चलो आओ आप आ। चल तू आओ चक्के ले जा। बारिश आ रही है, जल्दी जल्दी चलो। साइड हट। हो गया। अरे मम्मी जी हो गया मोटे आजकल बहुत। डाइटिंग करो थोड़ी। मैं तो चखती थी तेरे को, तू नहीं चख सकता मेरे को। मैं था ना बच्चा उस टाइम। अब तेरे लिए बच्चा बनना ही ना। यहाँ से ऊपर चल। गाइस पता नहीं कहाँ कहाँ से ले जा रहे, रास्ते का पता है नहीं, भटक गए हम। गाइज इनको रास्ता नहीं मिल रहा है ना, भटक गए हम शायद। और ऊपर से इस औसम मौसम को देखो जरा, कभी भी बरसात हो सकती है। फिर गाएंगे हम गाना, बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। चाइना में खाते हैं ऐसे कीड़े लोग। चलो खेत खेत से ऊपर कहाँ है रास्ता, निकाल आगे निकलेगा रास्ता। चलो फिर तार तो है। चलो आप आगे। गाइस हम गायब हो चुके हैं पर अभी कोशिश कर रहे हैं रास्ता ढूंढने की। वो भी है गायब बिल्कुल जंगल के बीचों बीच। कहाँ पे है हमारी जमीन यहाँ? आज बहुत ही तगड़ा एडवेंचर हो गया गाइस, क्योंकि इन दोनों को रास्ता ही पता नहीं था। ये वाला एरिया है, ये पूरा एरिया है पर ये तक वहां तक है। तो गाइस ये वाला एरिया है, देखो काफी बड़ी जगह है वैसे। यहाँ पे अगर होम स्टे बनाएंगे ना एक बढ़िया वाला, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी बढ़िया लोकेशन में होगा। चार और मतलब पेड़ ही पेड़ है जंगल के बीचों बीच है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा जंगली जानवरों का खतरा रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई यहाँ पे बनाएंगे। बहुत समय पहले की बात है दोस्तों, यहाँ पे एक राजा रहा करता था, हिरण्यकश्यप। तो फिर ज्यादा ही नहीं हुआ ये। मैं सोच रहा था कब बोलेंगे। वैसे घर में नहीं हमारे को कुछ खाना बना हुआ है, चावल ही चढ़ा रहे हैं। बादलों के गरजने की आवाज आ रही है। कोई नहीं, गीले होके जाएंगे तो और क्या। चलो हो गया, चलो फिर चले। गीले होके तो जाएंगे ना, रोड है खराब। हाँ रोड भाई, रोड में अगर कीचड़ हो गया फिर रटक जाएंगे हम यहीं पे, फिर पड़ेगा रात को भालुओं के साथ सोना। निकलते हैं बारिश से पहले। पूछ ले एक बार कितना दूर है। बारिश की बूंद गिरी मेरे फोन की स्क्रीन में अभी। चलो आ रही है, यार बारिश आ रही है, हाथ में भी गिरी अभी। चलो सो लेट्स गो।
तो गाइस फाइनली शाम के टाइम पहुंचे हम वापस अपने घर। आज के दिन के बारे में क्या ही बताऊं आप लोगों को, कीचड़ था ना एक दो जगह, उसकी वजह से गाड़ी नहीं निकल रही थी, फंस गई फिर से दो जगह, कम से कम हमारे 2 घंटे वेस्ट हो गए। तो मतलब बहुत ज्यादा थकान हो गई, मैं गाड़ी को धक्का मार रहा था पर मेरे धक्के का कोई असर ही नहीं हो रहा था। तो फाइनली अब जाके पहुंचे हैं हम घर। अभी हमने डिनर किया, मैंने फोन चार्जिंग में लगा रखा था, अभी फोन चार्ज हुआ। तो भाई हाँ अब वक्त हो गया है सोने का। बाकी पूरा ब्लॉग देख लिया होगा आपने तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।